जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी कर रचा इतिहास, तोड़ा टेस्ट इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार रोहित शर्मा ने ऐसा कौन सा वो बड़ा इतिहास दूसरे टेस्ट मुकाबले में रचा है उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, तो उस दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने किया कुछ ऐसा कि भड़क गए देखकर भारतीय क्रिकेट दर्शक। वीडियो देखने के बाद आपको भी आएगा गुस्सा। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये ओली रॉबिन्सन ने हरकत की थी बीच मैदान पर, उनका ये पूरा वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। और भी यहाँ पर हम आपको मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा को दुनिया के सबसे बेहतरीन ओपनर खिलाड़ी मानते हो तो आप भी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से टॉस हारा, जहां पर टॉस जीतकर कप्तान जो रूट ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कप्तान जो रूट ने किया, जहां पर उनसे पहले से ही यही उम्मीद थी कि वो पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में गेंदबाजी ही पहले करेंगे अगर वो टॉस जीते तो। हालांकि दोस्तों कप्तान जो रूट का ये फैसला बिल्कुल भी उनके हित में नहीं गया। दरअसल दोस्तों कप्तान जो रूट की टीम के गेंदबाज काफी ज्यादा बेबस भारतीय टीम के दो बल्लेबाजों के आगे नजर आए। दरअसल दोस्तों आज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दिखाई। हालांकि बीच में मैच को रोकना भी पड़ा क्योंकि बारिश ने इस मैच में दखल डाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम के बल्लेबाज नहीं रुके और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी को भौचक्का कर दिया। तो वहीं दोस्तों इसी दौरान बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने तो एक ही ओवर में 3 चौके भी लगा दिए थे। जी हां दोस्तों, टेस्ट मैच में वो T20 जैसी पारी खेलते हुए नजर आए। हालांकि दोस्तों लंच से पहले रोहित शर्मा ने 66 गेंदों का सामना करते हुए 35 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके भी लगाए। तो वहीं केएल राहुल 10 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। हालांकि दोस्तों लंच से पहले जैसे ही रोहित शर्मा ने अपने 35 रन पूरे किए, उस दौरान उन्होंने एक बड़ा इतिहास अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा शामिल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि रोहित शर्मा ने सैयद किरमानी को पीछे करते हुए अपना स्थान इस लिस्ट में बना लिया है। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप सभी यहां पर रिकॉर्ड लिस्ट को देख पा रहे होंगे कि सैयद किरमानी के 2,759 रन को पीछे कर रोहित शर्मा 2,762 रन बना चुके हैं, जहां पर उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया। तो वहीं दोस्तों मंसूर अली खान पटौदी को पीछे करने के मामले में रोहित शर्मा मात्र 31 रन ही पीछे हैं, और ऐसे में अगर वो 31 रन और बना लेते हैं तो वो मंसूर अली खान पटौदी को भी पीछे कर ये इतिहास रच देंगे और अपने नाम ये बड़ा ही रिकॉर्ड करेंगे। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है रोहित शर्मा के बारे में और उनके इस शानदार प्रदर्शन के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हुआ ये खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, बाहर मैच से बाहर हो गए, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इस बात की पुष्टि कर दिया। तो वहीं विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, शार्दुल ठाकुर तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, वो दूसरा टेस्ट मैच हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से नहीं खेल पाएंगे। तो वहीं पहले टेस्ट मैच में शार्दुल ने गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे, जहां पर शार्दुल के खाते में 2 पारियों में 2-2 विकेट आए थे। तो वहीं ईशांत के पास लॉर्ड्स के मैदान पर खेलने का अच्छा अनुभव भी है और ऐसे में कप्तान विराट कोहली उनको जगह देते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय शार्दुल ठाकुर के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स में आज यानी कि गुरुवार 12 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो गया, जहां पर आज का ये मैच थोड़ा देरी से चालू हुआ क्योंकि जिस समय टॉस होना था उस समय खूब तेज बारिश इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर हो रही थी, जहां पर इस मैच को थोड़ी देर के लिए डिले करना पड़ा। लेकिन दोस्तों जब मैच शुरू हुआ तो उसके बाद मैदान पर खिलखिलाती धूप नजर आई और साथ में बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का मनोरंजन करते हुए भी नजर आए। जी हां दोस्तों, दरअसल आज भारत और इंग्लैंड के बीच में
दूसरे टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए पहले लिया क्योंकि जिस तरह से आज बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों को मदद मिल सके, इसलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी की। एक तरफ काफी ज्यादा डिफेंसिव और अच्छे अच्छे शॉट लगाते हुए दिखाई दिए तो वहीं दूसरे छोर पर केएल राहुल ने कोई भी जोखिम भरा शॉट नहीं खेला और काफी अच्छी लय में वो दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन की गेंदों को वो इस तरह से खेल रहे थे कि मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने आज यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए खबर बोले जाने तक इतने रन बना लिए जितने की आप अभी लाइव अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे स्कोर कार्ड में। तो वहीं केएल राहुल अभी इतने रन पर नाबाद खेल रहे हैं, जहां पर भारतीय टीम का पलड़ा अभी काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, जमा चुके हैं। बाकी दोस्तों, अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बारे में और आप इनकी बल्लेबाजी को देखकर 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बुमराह की लंबी छलांग, टॉप 10 में बनाई जगह। जी हां दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 का स्थान बना लिया। दरअसल दोस्तों, बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए थे, जिसके दम पर उन्होंने 10 स्पॉट की छलांग लगाकर 760 अंकों के साथ 9वां स्थान हासिल कर लिया। वहीं हम आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह जो कि नंबर पर थे, उन्होंने पहले टेस्ट मैच के बाद 77 अंक हासिल किए। तो वहीं मार्च के बाद यह पहली बार हुआ है जब बुमराह ने शीर्ष 10 में जगह बनाई हो। तो वहीं दोस्तों, बुमराह के अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड 8वें और मिशेल स्टार्क 10वें नंबर पर आते हैं इस वे पर, और वहीं भारत के शार्दुल ठाकुर 19वें स्थान की उछाल लगाकर 55वें नंबर पर मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों, ये काफी बड़ी खुशखबरी है भारतीय टीम के गेंदबाजी के लिए। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 टीम में भी आप सभी को 4 बड़े बदलाव देखने के लिए मिले। दरअसल दोस्तों, अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड छोटे लोग हैं, जहां पर 2016 के बाद यह पहला मौका है जब यह दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो वहीं इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑलराउंडर मोइन अली और शाकिब मोहम्मद को टीम में शामिल किया है, जहां पर ब्रॉड की जगह पर मार्क वुड और एंडरसन की जगह पर शाकिब या फिर क्रेग ओवरटन को मौका मिल सकता है। तो वहीं दोस्तों, इसके अलावा खराब फॉर्म से जूझ रहे जैक क्रॉली की जगह पर हसीम हमीद और डैन लॉरेंस की जगह पर मोइन अली को टीम में मौका मिला। पंत और रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है, और वहीं टॉप ऑर्डर में एक बार फिर से केएल राहुल और रोहित शर्मा आप सभी को ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, यही होगी दोनों की प्लेइंग 11 टीम। बाकी अब आप इनकी प्लेइंग 11 टीम देखने के बाद क्या निर्णय लेते हो, क्या कौन सी टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतेगी, भारत की या फिर इंग्लैंड की? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।